हेलो मैडम, प्रकाश सेठ का उनके मजदूरों ने खून कर दिया। ये कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हमारी फैक्ट्री में मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। इसके कबल तुम्हारी मौजूदगी में हम लोगों ने फैसला किया कि मजदूरों का कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाए, चाहे उनमें से कोई मरी क्यों न जाए। लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल खत्म किसने की? किसने खत्म की हड़ताल? तुमने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए चैम्बर का कानून तोड़ दिया और इनके मजदूरों ने इनको मार मार के खत्म कर दिया। तुमने हम सबको धोखा दिया है। अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए तुमने मेरे पति की जान ले ली। तुम मेरे पति के कातिल हो, कातिल हो। इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। पति की जान बचाने के लिए पत्नी ने भूख हड़ताल तुड़वा दी, मजदूरों को भूखा मारने के लिए मालकिन ने फैक्ट्री बंद करवा दी। वाह वाह वाह, क्या अकलमंद औरत है, कितना बेवकूफ लीडर है। तो तुम लोग यहाँ भी आ गए? क्या मतलब है आपका? मतलब फैक्ट्री के मालिकों की जान लेने वाली इस फैक्ट्री के मालिक के यहाँ भी आ गए, ये मतलब था मेरा। मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। कोशिश तो आप जैसे लोग करते हैं, जो दिखते कुछ और हैं और असल में कुछ और होते हैं। हम तो सीधे साधे लोग हैं, तभी तो आपके बहकावे में आकर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर बैठे। हाँ, बहुत भोले हो तुम लोग। यहाँ भूख हड़ताल खत्म की, वहाँ एक फैक्ट्री के मालिक को खत्म कर दिया। हमने नहीं, हमने किसी को खत्म नहीं किया, किसी और ने किया है। आईसी, तो तुम लोग उन मजदूरों से अलग हो। अगर तुम में से किसी एक के साथ बेइंसाफी होती है तो तुम सब मिलकर एक हो जाती हो, और अगर हमारे साथ जुल्म होता है तुम सब अलग अलग हो जाती हो। वाह, क्या वसूल है, क्या नियम है तुम लोगों के। इस बहस के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आपने फैक्ट्री बंद क्यों की? अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए। आपकी मर्जी और आपकी खुशी आपकी जाती जिंदगी में चल सकती है मैडम, फैक्ट्री में नहीं, क्योंकि फैक्ट्री आपकी नहीं, जनता की मिल्कियत है। इस फैक्ट्री में मेरा पैसा लगा है। पैसा लगाकर आपने सिर्फ फैक्ट्री का ढांचा खड़ा किया है, उस ढांचे में आत्मा हमने डाली है। फैक्ट्री मजदूरों का भविष्य है, और आप अपनी मर्जी से हमारे भविष्य पर ताला नहीं लगा सकती। अभी कानून जिंदा है, इसलिए इससे पहले कि मामला आगे बढ़े दुनिया तमाशा देखे, बेहतर यही होगा कि हम आपस में समझौता कर लें। तुम लोगों से समझौता करने के बजाय मैं फैक्ट्री बंद रखना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। मतलब आप मालिक और मजदूर के रिश्ते को तोड़ देना चाहती हैं? जो रिश्ते बोनस की बुनियाद पर खड़े रहते हैं और हड़ताल की आवाज से टूट जाते हैं, मैं उन रिश्तों के टूटने की कभी परवाह नहीं करती। एक बार इस नाजुक रिश्ते की डोर टूट गई मैडम, उसके बाद हजार गांठे बांधने के बाद भी दोबारा नहीं जुड़ेगी। जब तक मेरे गले में ये पवित्र धागे की गांठ बंधी है, मुझे किसी गांठ के टूटने और जुड़ने की कोई परवाह नहीं। मिस्टर राम, ये कोर्ट के कागजात हैं। लीडर होने की हैसियत से आप इन कागजात पे साइन कर दीजिए। पेन नहीं चल रहा। सीता, जरा पेन देना। थैंक यू।
लीजिए वकील साहब। मिस्टर राम, विश यू ऑल द बेस्ट। मजदूर ये केस जीत के ही रहेंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे सीता, ये क्या कर रही हो? तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तो पास है भगवान है, मगर मेरे इस दुनिया में एक ही भगवान है और वो तुम हो। मुझे आशीर्वाद दो, इस केस का फैसला मेरे हक में हो। मेरी दुआ है कि इंसाफ की जीत हो, सत्य की विजय हो। जबान खोली तो उसकी लाश यही जमीन में गाड़ दूंगा मैं। नौकर, अरे जाजा राम, अंदर आओ, दरवाजा बंद कर दो। इधर आओ। आज चारों तरफ तुम्हारी जयजयकार हो रही है। राम भैया जिंदाबाद, हमारा यूनियन लीडर जिंदाबाद। राम, यूनियन लीडर की हैसियत से आज तुम जीत गए, लेकिन एक पति की हैसियत से तुम बुरी तरह हार गए, क्योंकि पति और पत्नी तो भगवान ने जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए बनाए हैं। अगर एक पहिया नाकाम हो जाता है तो गाड़ी दूसरे पहिए पर नहीं चल सकती है, मतलब ये कि दूसरा भी नाकाम हो जाता है। इसीलिए पत्नी की हार में पति की हार होती है, और पत्नी भी कैसी, सीता जैसी। आज उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, तुम्हारी यूनियन के नारे बच्चे बनकर उसके दिल को तोड़ रहे होंगे। इस बारे में मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज कह रहा हूं, फर्ज को जरूर निभाओ, लेकिन इस तरह निभाओ कि घर बर्बाद ना हो। घर को जलाकर दुनिया में उजाला करने की कोशिश ना करो राम। देखो, मैंने जिंदगी में आज तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं। बहू को वापस ले आओ, आओ बेटा, बहू को घर वापस ले आओ। अदालत फैक्ट्री की मैनेजमेंट को यह हिदायत देती है कि वो मजदूरों को पिछले वर्षों का बोनस पहले दे और साथ में फैक्ट्री बंद करने के मुआवजे में दो दो साल की तनख्वाह दे। नहीं, नहीं। सीता देवी, मैं किसी हालत में हार नहीं मानूंगी। सीता देवी, मैं उन दो कौड़े के मजदूरों से हार मानकर मैं अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगी। सीता देवी प्लीज, मैं अपनी दौलत जायदाद में आग लगा दूंगी, लेकिन कोर्ट के कहने पर उन लोगों को कभी नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए। सीता देवी क्या कह रही है आप, पागल हो गए हैं क्या? मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कभी नहीं। मैंने एक बड़े वकील से सलाह की है, मेरे पास कोर्ट के एक्शन का रिएक्शन मौजूद है,
हम कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि फैक्ट्री आज से 2 साल पहले हमने किसी और को बेच दी है। फैक्ट्री बेचेंगे? क्या करना है इस फसाद की जड़ को रखकर। हम फैक्ट्री किसी बड़े सेठ को बेचकर पूरा पैसा कैश में ले लेंगे और कागजात पे आज से 2 साल पुरानी तारीख डाल देंगे। फिर सेठ जाने और वो मजदूर विल बी टोटली आउट ऑफ इट। ठीक है, बेच डाले फैक्ट्री। आप माल तैयार रखिए, मैं फैक्ट्री के कागजात लेकर अभी आपको बताता हूँ। एक रावण रामायण में था और एक रावण आज की दौड़ में है, मगर इस रावण की जलील हरकतों को देखकर उस रावण कभी सर शर्म से झुक गया होगा। बकवास नहीं चाहिए फादर, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने इस घर का नमक खाया है और उस नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जिंदगी वेस्ट करूंगा, मगर करूंगा नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, आज तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी गलत गियर में जा रही है, तो मैं उस गियर को तोड़ डालूंगा, मगर इस घर की गाड़ी को गलत गियर में जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं, चलो घर चले। घर? किसका घर? अपना घर, हमारा घर। हमारा? अब तक तो हर चीज में सिर्फ मेरा या तुम्हारा हुआ करता था, आज अचानक ये हमारे कहां से आ गया? सीता, तुम्हें शायद इस शब्द हमारे का मतलब नहीं मालूम, वरना तुम कभी भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाती जो आज तुमने उठाया है। मगर सीता, अगर तुमने कभी मुझे अपना समझा होता तो सारे शहर के सामने मुझे जलील करके खुशियां न मनाते। खैर, खुशियां मनाई या नहीं मनाई इसकी सफाई मैं नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सीता, आज तक जो कुछ भी हुआ उस हर चीज की पहल तुम्हारी तरफ से हुई। हाँ हाँ, हर चीज की पहल मेरी तरफ से हुई थी। धमकियां भी मैंने दी थी, भूख हड़ताल भी मैंने की थी, कोर्ट में भी इस मामले को मैं लेकर गई थी। नहीं, वो मैं लेकर गया था, तुमने बोनस देने से इनकार कर दिया तो मजबूर होकर मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी। तुमने कहा अदालत में चले जाओ तो हम चले गए, बस। वाह, मैं जो जो कहती गई वो तुम करके चली गई। अगर मैं ये कहती कि चुरा उठाओ और मेरा खून कर दो, शायद तुम वो भी कर देती, है ना सीता? इस वक्त तुम जिद पर अड़ी हो और जिद एक ऐसी आग है जिसमें आदमी पहले तो जलता है और जब आग बुझ जाती है तो छालों के दर्द से कराहता है, तड़पता है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, यहां आकर समझाया भी था, लेकिन तुम नहीं मानी। हाँ, तुम आए थे और अपने साथ मेरे दुश्मनों की पूरी फौज लेकर आई थी, उनको यह दिखाने के लिए कि आओ और तमाशा देखो मैं अपनी पत्नी का सर तुम्हारे सामने कैसे झुकाता हूँ। और उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं? क्यों, तुम्हारी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं? कौन मैं? मैं तुम्हारा सर झुकाना चाहता था? सीता, तुमने कभी किसी बात को सही ढंग से समझने की कोशिश की है? उस दिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने आया था, तुम्हारा सर झुकाने नहीं। मेरी भलाई के लिए? अगर मेरी भलाई का जरा सा भी ख्याल तुम्हारे दिल में होता तो तुम मेरे पास अकेली आती और कहती कि सीता तुम गलती पर हो, वो मजदूर सही है, मैं हुक्म देता हूँ इन्हें इनका बोनस फौरन दे दिया जाए। क्या इस तरह तुम नहीं कर सकती थी? अरे, तुमने काफी मुझे ये पति बनकर सलाह दी, जब भी मिली लीडर की हैसियत से मिली, जो बात की यूनियन की बात की, उसके कानून की बात की, अपनी पत्नी को ये पति पति बनकर सलाह दी, ये हक नहीं था तुम्हारा। मुझे मालूम था ये दिन हमारी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आएगा, इसलिए शादी से पहले मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक छोटी सी कश्ती और एक बहुत बड़ा जहाज
एक साथ समंदर में सारी जिंदगी सफर नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, कहा था तुमने, मगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाई थी। आज समझ पा रही हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि छोटी सी कश्ती तूफान में गिर भी जाए, वो किसी भी तरह गिरते पड़ते उलटते पलटते किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन मौत तो जहाज की होती है। वो तूफान में फंस गया तो बस मर गया, उसका खुद अपना वजन उसे बीच सागर में ले डूबता है। आज वही हुआ, तुम कश्ती की तरह बच निकले और मैं जिंदगी के तूफान में मछली जहाज की तरह डूब गए। बस सीता, बस बहुत हो गया, अब हद से बाहर होता जा रहा है। मैं तुमसे फजूल बहस करना नहीं चाहता। मैं तुमसे पति के नाते पूछता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलती हो या नहीं। मैं भी तुमसे एक पत्नी के नाते कह रही हूँ कि जब तक तुम उन लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। सीता, बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, तुम उन गरीबों को बीच में घड़ी घड़ी घसीट कर क्यों लाती हो? इसलिए कि वही लोग तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं, इसलिए कि वही लोग हमारी जिंदगी में बर्बादी का बीज बोए हैं। सीता, जिस तरह पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, उसी तरह मालिक और मजदूर का रिश्ता भी होता है। अगर पति गलत राह पर हो तो उसे सही रास्ते पर लाना पत्नी का काम है, और अगर पत्नी गलती करे तो उसे समझाना पति का काम है। यही साझेदारी मजदूर और मालिक में होनी चाहिए। आज तुम जिन मजदूरों को गालियां देती हो, उनसे नफरत करती हो, एक दिन वही मजदूर तुम्हारे सच्चे दोस्त और हमदर्द साबित होंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता।